हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, ओके। आज हमारा किस चीज का टाइम है, कौन बताएगा? आज हमारा किस चीज का टाइम है? मैथ नोटबुक। किस चीज का है? मैथ नोटबुक। तो मैथ नोटबुक के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैथ्स की कॉपी निकालते हैं। सभी बच्चे क्या करिए, मैथ्स की कॉपी निकालिए। सभी लोग शुरू कर दीजिए मैथ्स की कॉपी निकालना। उसमें कॉपी जब मैथ्स की निकालेंगे तो आप लोगों ने काउंटिंग राइट की है। क्या राइट की है? काउंटिंग। आज हम करेंगे राइट बिटवीन नंबर्स इन द बॉक्सेस। सोचेंगे मैम डायरेक्ट काउंटिंग से यहाँ पे कैसे आ गई, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है तो हम रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी आर राइट बिटवीन नंबर्स इन द बॉक्सेस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेंसिल उठाएंगे और क्या लिखेंगे? सी डब्ल्यू। लिखिए सभी लोग मेरे साथ साथ सी डब्ल्यू। 6, 8। समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करिए, सी डब्ल्यू लिखने के बाद से ये फाइलिंग करिए, उसके बाद से इसको उतार लीजिए, क्योंकि 5 3 है, 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, मैथ्स की कॉपी में उतार लेना है पहले। जब आप उतार लेंगे तो आपको सॉल्व करने में उसको इजी रहेगा। देखते हैं क्या लिया है, 6 और 8। बिटवीन मीन्स होता है बीच वाले नंबर को हमको क्या करना है, बॉक्स में लिखना है। तो बीच वाला नंबर क्या होगा, कैसे पता चलेगा, जब उसको हम करेंगे। 6 और 8 दिया है तो काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद क्या आ रहा है, 7, और 7 के बाद क्या आ रहा है, 8। तो 6 और 8 दिया, इसका मतलब इसके बीच में कौन सा नंबर होगा, 7 नंबर होगा। कौन सा नंबर आएगा, 7 नंबर। 6 7 8 मतलब सही है। आगे देखते हैं क्या दिया है, 12 14। 12 और 14 के बीच वाला नंबर नहीं पता है, कैसे पता चलेगा, काउंटिंग करिए। 11 12 13 दिया ही नहीं है, 14। तो हमको यहाँ पे क्या मेंशन करना रहेगा इस बॉक्स में, 13। क्या मेंशन कर दें, 13। ठीक है, 12 13 एंड 14। आगे दिया है 22 एंड 24। इसके बारे में कुछ नहीं पता है और हमको बीच वाला नंबर लिखना है, बिटवीन नंबर इस बॉक्स में। तो क्या लिखेंगे, 21 22 एंड 23। क्या लिखेंगे, 23 एंड 24 दिया हुआ है, 22 23 एंड 24। आगे बढ़ते हैं, 39 कुछ भी नहीं है, खाली है, 41 याद कर लीजिए, 31 33 है ना, तो 31 से स्टार्ट होगा, इतना तो पता हो गया। करते हैं 3 1 31 3 2 32 3 3 33 3 4 34 3 5 35। इसके बाद से 3 6 36 3 7 37 3 8 33 3 8 के बाद से क्या लिया, 3 9 39 39 के बाद से क्या होता है, 4 0 14। और 41 तो पहले से दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 41। तो जो हमको बिटवीन नंबर राइट करना है वो क्या है, हमारा सही है। आगे भी दो नंबर और दे रखे हैं, देखते हैं यहाँ क्या लिया है, 25 ब्लैंक है 27। तो 25 है तो मतलब 21 से काउंटिंग कर लीजिए, 21 22 23 24 25 दिया हुआ है। और इस बॉक्स में क्या लिख देते हैं, 26 और 27 तो पहले से ही है, तो क्या होगी, 25 26 और 27। तो हमारा बिटवीन नंबर मिल गया, क्या मिला हमको, 26 इस बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया 5 एंड 7, ये भी नहीं पता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 1 डिजिट नंबर, तो ये 1 से 10 के बीच में है, 1 से लेके 10 के बीच में है, तो काउंटिंग कर लीजिए। दिया है 5 5 पे आके हम स्टॉप कर देंगे, 1 2 3 4 5 5 के बाद से स्टॉप करके कुछ भी नहीं दिया है, 7 मतलब 5 के बाद क्या आता है, 6, और 7 से पहले क्या आता है, 6। इसमें हम क्या लिख देंगे, 6। समझ में आया, 6 के बाद क्या आता है, 7, और 8 के पहले क्या आता है, 7। तो 6 7 8 सही है हमारा। तो हमको इसको क्या करना है, मैथ्स की कॉपी में कर लेना है। करने के बाद से आपको क्या करना है, स्कूल वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।